नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर पर जो है विपक्ष अब सत्ता पक्ष को घेरने में लगा है। समीक्षा बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन फिर भी इसका कोई असर प्रदेश में सूबे में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार अगर बात करें दरभंगा में भी जो हत्याकांड हुआ है, उसके बाद अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर में भी दिन दहाड़े गोली मारकर अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी, और लगातार जो है कानून व्यवस्था पर अब जो है सवाल उठ रहा है। इस पर हमारे साथ आज बात करेंगे RJD के पूर्व प्रवक्ता एजाज अहमद। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। लगातार अब सूबे में जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है, दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो जाता है, नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर पे भी वो सख्त होने के लिए प्रशासन को भी अपना निर्देश दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय में जंगल राज का राग अलाप रहे थे, लेकिन अभी जब रिजल्ट आया उसके बाद महाजंगल राज की स्थिति पैदा हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू पर दोषारोपण करती है, जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी पर। ये कंट्राडिक्टरी सरकार है और कहीं ना कहीं समाज के बीच में विभेद पैदा करने वाली सरकार है। इस सरकार की उप मुखिया श्रीमती रेणु देवी जी ने जब कल कहा कि क्राइम होता रहेगा और हम क्राइम का पर्दाफाश करते रहेंगे, ये बड़ी ही अजीब सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। एक सवाल में रोकने की बात उन्होंने कभी नहीं कही, जबकि वो उप मुख्यमंत्री है, उनको कहना चाहिए था कि क्राइम को रोकने का उपाय किया जाएगा, लेकिन वो पर्दाफाश किसका करेंगी, यानी कि मुख्यमंत्री का, यानी कि गृह मंत्री का, जो भारतीय जनता पार्टी सपना लिए हुए इस राज्य में गृह मंत्रालय के लिए जूतम पैजार कर रही थी, उस मामले को लेकर के ही कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ है। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी हाल ही में आपको अगर मैं बात करूं तो भूमि एवं राजस्व विभाग के कैबिनेट मंत्री जो हैं राम सूरत राय, उन्होंने भी खुद NDA में हैं और खुद उन्होंने कहा है, नीतीश कुमार पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने अपना निशाना साधा और कहे हैं कि प्रदेश में अभी भी क्राइम बढ़ रहा है। अगर उनके विभाग की बात करें तो उन्होंने कहा है कि उनके विभाग में भी करप्शन पूरा फैला हुआ है, यानी अब सरकार में जो है वो खुद सत्ता पक्ष में भी जो है नीतीश कुमार को घेरने में लगे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा क्राइम को बढ़ावा देने में अगर किसी का हाथ है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी वैसी सरकार को समर्थन क्यों दे रही है जो क्राइम को बढ़ावा दे रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है? नीतीश कुमार नामित मुख्यमंत्री हैं और निमित्त मात्र उनका अधिकार है, सारा अधिकार भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में रखे हुए है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता और विपक्ष दोनों का रोल निभाना चाहती है, ये राज्य की जनता अच्छी तरह समझती है, और राज्य की जनता ये समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजनीतिक गेम प्लान में लगी हुई है, और इस गेम प्लान को राष्ट्रीय जनता दल कभी भी सफल नहीं होने देगा और इन लोगों का पर्दाफाश करने का काम करेगा। जो सत्ता में रहते हुए सत्ता का मलाई तो खाते हैं, लेकिन उस मलाई का दोषारोपण दूसरे लोगों पर करने का काम करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये स्वस्थ परंपरा नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक स्थिति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जो अभी हमारे साथ पूर्व प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े, और राजद के पूर्व प्रवक्ता एजाज अहमद, उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधा, नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा है, और बिहार में बढ़ते जो क्राइम है उसको लेकर भी नीतीश कुमार पर वो हमलावर हुए हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी हमलावर हुए हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेशन न्यूज़, धन्यवाद।